हेलो अंशिका, हेलो सरिता। सो आई हैव डिसाइडेड दैट दी आई विल ज्वाइन दी यूपीएससी कोचिंग। सो बाय टुडे आई विल पे दी फीस ऑफ दैट कोचिंग। बट वॉट आई फील बिफोर पेइंग फीस टेक सम डेमो क्लासेस एंड टेस्ट द वॉटर्स। द कॉन्वर्सेशन दे वर टॉकिंग अबाउट ज्वाइनिंग क्लासेस फॉर यूपीएससी। शी डिसाइडेड टू ज्वाइन द क्लासेस। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि वो अब यूपीएससी क्लास ज्वाइन करेंगे। आज वो फीस पे करने जा रही हैं। तो आप फिर उन्होंने कहा बिफोर पेइंग द फीस यू मस्ट टेक सम डेमो क्लासेस एंड बिफोर गोइंग देयर यू मस्ट टेस्ट द वाटर्स। टेस्ट द वाटर्स मतलब क्या है? टेस्ट मतलब जानते हो उसको, टेस्ट करना मतलब एक बार जांच पड़ताल करना कैसा है। टेस्ट द वाटर्स इससे मतलब ये है, इसे आप टेस्ट द वाटर्स भी बोल सकते हो और टेस्ट द वाटर भी बोल सकते हो। इसमें आईएनजी टेस्टिंग हो जाएगा और पास्ट में टेस्टेड हो जाएगा। तो अब उन्होंने कहा यू मस्ट टेस्ट द वॉटर्स। तो इस सीरियस मतलब ये होता है टू नो द ओपिनियन ऑफ द समवन, जब किसी लोगों की राय जानना कि आगे होगा क्या। जब भी कोई डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में जांच पड़ताल करना, सब कुछ जान छानबीन करना, तो उसे बोलते टेस्ट द वॉटर्स। देखते ना मतलब क्या होगा, पहले देख के चलो, मतलब देख परख के करो कि कोई काम करना है, परख के करो कि क्या काम होने वाला है, आगे कैसा होगा, कोचिंग कैसी है, इंस्टीट्यूशन कैसा है, क्लासेस कैसी है, कोई चीज आप ज्वाइन करने वाले, टेस्ट द वाटर्स तब यूज करेंगे आप इसे। वैसे आप कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हो उसके। तो बिफोर गोइंग इन पॉलिटिक्स यू मस्ट टेस्ट द वाटर्स। पॉलिटिक्स जाने से पहले जान तो दो लोग आपको क्या राय रखते हैं। आपका कोई दोस्त है वो इलेक्शन में लड़ना चाहता है, तो बिफोर गोइंग इन इलेक्शन यू मस्ट टेस्ट द वाटर्स के लोग किस पार्टी को किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं, किस पार्टी पसंद नहीं कर रहे हैं, तो जांच पड़ताल करना है, सिर्फ जांच पड़ताल रखना, तो उसको बोलते हैं टेस्ट द वाटर्स। आप वहीं आप कोई प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट का क्या रेटिंग है, जैसे हम रेटिंग जानना चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट का क्या रेटिंग है, प्रोडक्ट किस तरीके का होगा, तो यू कैन आस्क समवन, सो बिफोर बाइंग दिस प्रोडक्ट यू मस्ट टेस्ट द वाटर्स। लोगों के इसके बारे में ओपिनियन क्या है, इसका मार्केट में वैल्यू क्या है और किस तरह का है, तो टेस्ट द वाटर्स। आप चाहे किसी प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हो, इंसान भी यूज कर सकते हो, किसी भी चीजों के लिए यूज कर सकते हो, तो टेस्ट द वाटर्स मतलब जान तो ले ऐसा है क्या, इसमें लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो यूज कर सकते हो टेस्ट द वाटर्स। सो यू कैन यूज इट इन योर लैंग्वेज एंड यू कैन कमेंट ब्लो एंड प्रैक्टिस एज वेल। सो इंग्लिश सीखने की विश, जो लेट इंग्लिश। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।